हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम जानेंगे व्हाट इज चैलेंजेज इन राइनोप्लास्टी सर्जरी, व्हाई द राइनोप्लास्टी सर्जरी इज ए कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, बिकॉज पीपुल हैव ए मिथ कि राइनोप्लास्टी इज ए वेरी सिंपल सर्जरी, बट रियली देर इज ए लॉट ऑफ चैलेंज इन राइनोप्लास्टी सर्जरी। सो व्हाई द राइनोप्लास्टी सर्जरी इज ए कॉम्प्लेक्स सर्जरी, बिकॉज देर आर सम important factor that make the rhinoplasty surgeries more complicated. The first factor, because nose have endless anatomical variations, जो अपना nose है उसके अंदर endless type की जो inner framework की जो structure है, जो outer अपना जो soft tissue envelope है, उसमें बहुत तरीके जो variations होते हैं। Look that in India also, if you go in the east, अगर आप ईस्ट में जाओगे तो डिफरेंट टाइप का नोज मिलेगा, बट आप वेस्ट में जाओगे तो डिफरेंट टाइप का नोज मिलेगा, अगर आप साउथ में जाएंगे तमिलनाडु में तो डिफरेंट टाइप का। सो नोज हैव ए लॉट ऑफ एनाटॉमिकल वेरिएशंस दैट मेक इट ए कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। द सेकेंड इम्पोर्टेंट चैलेंज, बिकॉज दिस सर्जरी नीड द फॉर्म एंड फंक्शन बोथ। इन राइनोप्लास्टी सर्जरी, सपोज इफ यू आर ए गुड राइनोप्लास्टी सर्जन एंड यू गिव ए ब्यूटिफुल नोज टू द पेशेंट, बट इफ द पेशेंट हैव ए नेजल ब्लॉकेज, उसको ब्रीदिंग नहीं आता, तो नोज व्यर्थ है। एंड इफ यू गिव ए ब्लॉकेज फ्री नोज बट द कॉस्मेटिकल उसकी डिफॉर्मिटी करेक्ट नहीं हुई, दैट यू कैन नॉट जस्टिफाई टू द पेशेंट। सो द राइनोप्लास्टी सर्जरी इज ए बैलेंस बिटवीन द फॉर्म एंड फंक्शंस। आइडियली नोज से जो उसका लुक भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एंड उसका फंक्शनल एस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सो ये सेकेंड जो फैक्टर है दैट मेक राइनोप्लास्टी मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, बिकॉज लाइक और अदर सर्जरी में किसी को ट्यूमर निकालना है या गांठ निकालना है, सो उसको फंक्शनल एस्पेक्ट उसमें इतना हैम्पर नहीं होता, बट राइनोप्लास्टी के सर्जरी में फॉर्म एंड फंक्शन। एंड द थर्ड चैलेंजिंग फैक्टर दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू डू द राइनोप्लास्टी सर्जरी में कर रहा हूँ, बट वॉट आई एम डूइंग, वॉट माई पेशेंट थिंक, कि मेरे जो पेशेंट के इमेज, जो दिमाग में इमेज चल रहा है कि ही नीड सच टाइप ऑफ अ नोज, उसको इस टाइप का नोज चाहिए, तो दिस मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। करने वाले आप हो, बट आप किसी की जो एक्सपेक्टेशंस है माइंड की उसको आप कर सको। सो दीज थ्री फैक्टर मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, सलेक्शन ऑफ द करेक्ट पेशेंट्स। If you have a good rhinoplasty surgeon, your technique is good, but if my patient selection is not good, then it's very difficult to satisfy the patient, because patient that should be primarily motivated. ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला कि सब मेरे को बोलते हैं कि आपका नोज अच्छा नहीं है, वाइफ बोलती है, हस्बैंड कहते हैं उसका नोज अच्छा नहीं है, सो पेशेंट शुड बी प्राइमरी मोटिवेटेड। किसी के बहकावे में आके rhinoplasty नहीं कराएं, पेशेंट प्राइमरी मोटिवेटेड होना चाहिए। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, सलेक्शन ऑफ द राइनोप्लास्टी सर्जन, जो आप जो राइनोप्लास्टी सर्जन का चुनाव कर रहे हो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सलेक्शन ऑफ द पेशेंट। जो आपका सर्जन है वो उसको उस जो आपकी डिफॉर्मिटी है उसके करेक्शन का तजुर्बा होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका एक्रीडेशंस जानना चाहिए, उसका वर्ड ऑफ माउथ देखना चाहिए, उसके प्रीवियस टेस्टिमोनियल्स देखना चाहिए, जिससे क्या आपका नोज की जो डिफॉर्मिटी है वो जो है उसको करने के लिए उचित उसको उनको जानकारी भी है कि नहीं है। सो दीज ऑल इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर द सलेक्शन ऑफ ए राइनोप्लास्टी सर्जन। सो दोस्तों, जैसा आपने जाना व्हाट इज चैलेंज इन द राइनोप्लास्टी सर्जरी, सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू एंड यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड कलीग्स, फॉर जस्ट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द राइनोप्लास्टी सर्जरी। एंड इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन एंड हैव एनी क्वेरी, देन यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब पेज एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू वीडियोज़। थैंक यू।